नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो ओजायाणम नमो लोय सवशाऊणम पंच परमिष्ठी भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति वो वस्तु है जो हमारे जीवन को जीवन बना के रखती है। नीति वो वस्तु है जो हमारे निमित्त से पर के जीवन में हानि नहीं होने देती। नीति वो वस्तु है जो हमें कामयाब होना सिखाती है और कामयाब ही नहीं उच्चतम सीमा पर पहुंचाती है। नीति वो है। आज की नीति है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। आना सब चाहिए, आप स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट बने। आपको आना सब चाहिए, भले ही आप दूसरों से करवाते रहें। आपको जो भी काम करवाना है सब आना चाहिए, जो आपके योग्य है। अगर आपके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है और आपके पास डिपेंडेंसी है किसी और के ऊपर, तो आपको संकलेशता होगी। कब करेगा कब करेगा, कोई नहीं है तो मैं ही कर लूंगा, इतना तो मुझे बनता है। ये सेल्फ डिपेंडेंसी होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी होना चाहिए क्योंकि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग पीछे तभी आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। भीड़ तब आएगी पीछे जब आप कामयाब हो जाएंगे। छोटे से नेता के पीछे भीड़ नहीं होती, बड़े नेता के पीछे भीड़ होती है। क्यों? कामयाब हो चुका है। बड़े व्यक्तित्व का निर्माण करना, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए अपने आप में, हम कर लेंगे। हर चीज को करना सीखे, जितना आप सीखेंगे उतना आप अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। आ रही क्या बात समझ में? दूसरों पर आधारित होना ना सीखे। भले ही काम दूसरों से करवा लें, लेकिन वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो आपको दूसरे पर आधारित होना पड़ेगा। और ऐसा कहते हैं कि दूसरों से एहसान लेने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, कोई व्यक्ति रो रहा है, उसने अपने रुमाल से आंसू पोंछ लिए तो अच्छी बात है, मतलब उसने अपने दम पर ही अपने आप को सुधार में, अपनी परिस्थिति सुधार ली है। लेकिन अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे का रुमाल लेते हैं अमल, जैसे मदद का रुमाल, मदद का रुमाल जब भी लोगे उसमें एहसान का इत्र लगा होता है। जो मदद का रुमाल होता है उसमें एहसान का इत्र लगा होता है, फिर वो व्यक्ति को जब भी वो मिले तो फिर कुछ काम बोलेगा तो तुरंत बोलता है, जी भाई ये कर दिया तेरे एहसान जिंदगी भर मानूंगा, बिल्कुल नहीं करवाना। काम एक बार करोगे, करवाएगा, करवाओगे तुम उससे, जिंदगी भर उसका काम करना पड़ेगा। कामयाब होना है सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर आधारित ना हो। आपको स्वयं आना चाहिए, तब तो बात है। जैसे ये भैया है, इनको आता सब है लेकिन काम टालना जानते हैं, एकाग्र चित्त नहीं है। हाँ ये कर देगा, हाँ वो कर देगा, हाँ हो जाएगा, ये एकाग्रता का अभाव है। कामयाब हो जाएंगे लेकिन कामयाबी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी।
इनको देख करके ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे प्रोफेशन चेंज कर चुके हैं या फिर बहुत सारे लोगों के साथ रह चुके हैं, किसी के अंडर में भी काम कर चुके हैं और कई लोगों को अपने अंडर में भी काम करा चुके हैं, ऐसा इनको देख के लगता है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। आपको आना चाहिए, दुकान में नौकर आता है झाड़ू लगाने आपकी, झाड़ू लगाना आपको आना चाहिए, वो ग्राहक को कस्टमर को डील करता है वो आपको आना चाहिए, कोई नहीं हो तो लेबर का काम भी आपको आना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वाश्रित होंगे। आज ये भारत पिछड़े देशों में जाने वाला है बहुत दिन जल्दी ही, ये भारत पिछड़े देशों में जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ सरकार मदद कर रही है, रोजगार नहीं दे रही। तुमको क्या चाहिए? भोजन लो। ऐसे में व्यक्ति आलसी होता है, नहीं आप रोजगार करो, कुछ नहीं है तो एक से गड्ढा खुदवाओ, एक से गड्ढा पुरवाओ और तीसरे से कहना रोलर चलाओ उसके ऊपर, फिर पैसे देंगे। अरे आप कुछ भी करोगे कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। याद करो कभी बैग की चेन खुल गई और आपने चेन डाली हो उसमें, या जैकेट की चेन निकल गई हो उसमें चेन डाली हो, अनुभव मिला कि नहीं? कभी चेन फंस जाए और कोई कह दे कि मोम लगा लो मोम, तो आपको नया अनुभव मिलता है, यार मोम लगाने से अच्छी बढ़िया हो जाती है यार। फिर कभी आप चेन बनवाने गए, उस देखो तो खड़े होकर के वो कैसे बना रहा है, वो एक प्लास लेता है पिंचेस टाइप का, वो धीरे से दो तीन जगह दबाता है और चेन स्मूथ हो जाती है। लाओ 10 रुपये, लाओ 10 रुपये लाओ, समझना बात को। अगर आपको काम करते बनते हैं, हर काम करते बनता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो तो कभी आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा तो संकलिष्टता नहीं होगी। अब मुनियों के लिए बहुत सारे काम जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, आहार तो पराधीन है, बाकी सब तो स्वाधीन है, जहां रुकना तो रुक गए, रोड में बैठ गए, जमीन में ही बैठ गए। जहां पराधीनता आती है वहां दुख आता है और कामयाबी कम हो जाती है। स्वाधीन बनो, नौकरी करोगे संकलेशता रहेगी, दुख मिलेगा। सुन रहे कि नहीं? कौन कौन लोग, कितने लोग नौकरी करते हैं यहाँ पे? एक दो थे, जो जो आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो, नहीं बेटा? दो प्रकार से काम होता है, एक होता है घर चलाने के लिए, होता है मन चलाने के लिए। और जो काम घर चलाने के लिए कर रहे हो उसमें डेडिकेशन नहीं होता, जो काम मन से करते हो उसमें डेडिकेशन होता है। जो काम आप, गेट बंद कर दो आप, जो काम आप मन से करते हो उसमें डेडिकेशन होता है, और डेडिकेशन इतना बढ़िया गंभीर होता है कि मजा भी आता है। देश के लिए खेलना और टीम के लिए खेलना दोनों में बहुत अंतर है, इंडिया का मैच हो और आईपीएल का मैच हो, दोनों में अंतर है। हार गए सो हार गए, टीम हारी है, वहां इंटरनेशनल में हारे तो देश हारा है। इसलिए नौकरी किसी करना नहीं कपिल भाई, नौकरी किसी करना नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कम कमाना लेकिन अपना रहना। एक वो कहावत है कि बुरी है लेकिन अच्छी है, एक गधा रोज गांव में घूमता था, खुला था, और गांव के में एक और गधा था सेठ के, उसको देखता था कि उसको चने मिल रहे हैं, इसको घास मिल रही है, बैठे बिठाए सब मिलता है, उसको देख के सोचता था यार काश अपने ऊपर भी कोई मालिक हो तो अपने को भी सब पकी पकाई सीखी सिखाई मिलेंगी। एक दिन वो देखता है कि बाजार लेके जा रहा था मालिक उसको, और इतना वजन उसके ऊपर लादा हुआ था और पीछे से चाबुक और मार रहा था। बोला भैया अपनी सूखी घास अच्छी है,
अपनी सूखी घास अच्छी है, इसकी पराधीनता नहीं लेंगे, स्वाधीन बनना सीखें। जितने लोग, ये बात सत्य है, अगर आप दूसरे पर आश्रित हो, दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा, आप सुख नहीं मिलेगा। अपना करोगे तो सुकून रहेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है, मैं सेल्फ डिपेंडेड हूँ, 100 रुपये कमाऊंगा लेकिन अच्छे से कमाऊंगा, 100 रुपये कमाऊंगा लेकिन अच्छे से कमाऊंगा, किसी पर आश्रित नहीं होऊंगा। हाँ एक बात ध्यान रखना, गुरुजन को आश्रित नहीं मानना अपने लिए, हम आचार्य श्री के आश्रित हैं, आचार्य श्री अपने गुरु पर आश्रित है, कोई भगवान पर आश्रित है, तो भिन्न भिन्न प्रकार का आश्रय आश्रय है। लेकिन जो आपसे माता पिता का आश्रय है कि नहीं है, तो बोले मैं भी माँ स्वाधीन रहूंगा, माँ के अधीन भी रहूंगा, नहीं, माँ और गुरु को इस विषय में लाना नहीं, माँ और गुरु को इस विषय में लाना नहीं, स्वाधीन रहना, गुरु के नीचे रहना यह सौभाग्य है, माँ पिता के आशीर्वाद के नीचे रहना यह सौभाग्य है, ये सौभाग्य अहो भाग्य है, लेकिन किसी और के अधीन नहीं रहना, स्वाधीन, सेल्फ डिपेंडेंट। आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस सेल्फ डिपेंडेंसी में किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, आपके निमित्त से कोई दुखी ना हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और जीवन में तरक्की करना है, तो ये सोच के रखना कि साथ कोई नहीं देगा, हमको खुद ही करना है। एक बिहार में एक सज्जन आए थे हमारे साथ काम करवाने के लिए, तो किसी का मुंह नहीं देखते थे, पानी भरना है तो भर लाएंगे, बर्तन धोना है तो उनको 4 बर्तन चाहिए, माना कि बीच में 2 कटोरी और 1 चम्मच की जरूरत पड़ी, वो बर्तन वाले को नहीं बुला देते, अपना बर्तन धोए तुरंत काम चालू। एक दिन पानी भरे तो मैंने कहा क्या हो गया भाई, पानी भरने के लिए लड़का लगा हुआ है, तुम क्यों भर रहे हो? अरे बोले महाराज जी, उसको बोलूंगा 5 मिनट वो लगाएगा, मैं तो उतने भर के ले आता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि स्वाश्रित व्यक्ति कामयाब जब भी आप होगे, अकेले होगे, कामयाबी के बाद लोग पीछे पीछे आएंगे, सबके दिन एक से, सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। आज तो इतने सारे लोग हैं, कर्नाटक में ये माहौल था कि ओम नमः, अपना जनाजा खुद उठाना है, अपना जनाजा खुद उठाना है, कमंडल उठाने वाला नहीं था कोई, मिट्टी की पुड़िया देने वाला नहीं था कोई, कमंडल पानी भरने वाला नहीं था कोई, कमंडल पकड़ने वाला नहीं था कोई, रास्ता बताने वाला नहीं था कोई, फिर भी हम लोग खुश थे, क्यों? स्वाधीन है, कुछ नहीं भी मिला तो चलो उपास ठोक लेंगे, आनंद है, खुश होके, क्योंकि खुद पर विश्वास है तो सब कुछ है। बड़े कठिनाइयों के दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन ये बात निश्चित है, ये नीति हमने इसलिए लिखी क्योंकि ये हमारे जीवन का अनुभव है, ये जो पुस्तक है जीवन नीति, ये हमने अपने जीवन का अनुभव लिखे हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग साथ कामयाब होने के बाद देते हैं। वो ओलंपिक में खेल रहा खिलाड़ी अकेला जीत के आता है गोल्ड मेडल, पूरी दुनिया, पूरा भारत उसके साथ हो गया, और जब वो गांव में अकेला बेचारा लगा था, जेवलिन थ्रो कर रहा था, रस्सी कूद रहा था, लॉन्ग जंप कर रहा था, तब कौन था उसके साथ? एक गुरु या ट्यूटर या टीचर जो आप बोलो, वो उनके साथ था, और कोई नहीं था। जब वो लौट के आता, सबसे पहले किसके पैर छूता है? उन्हीं के पास जाता है, माँ के पास, गुरु के पास जाता है कि आज मैं सफल हुआ हूँ। ये भीड़ जो है ये डमी है, अगले ओलंपिक में नहीं खेलूंगा तो बाहर हो जाऊंगा, लेकिन वो लोग साथ छोड़ देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। अगर सफल होना है तो सेल्फ डिपेंडेंट बने, और एक बात ध्यान रखें कि आपने गुरु का हाथ पकड़ा है कि गुरु ने आपका हाथ पकड़ा है, माता पिता ने आपका हाथ पकड़ा है कि आपने माता पिता का हाथ पकड़ा है। अगर आपने पकड़ा है तो छोड़ दोगे, और उनने पकड़ा है तो नहीं छोड़ा पाओगे, और अगर उनने छोड़ दिया फिर आप कहीं के नहीं बचोगे।
क्योंकि बहुत सारों का हमने छोड़ा, हमें पता है बेचारों की स्थिति क्या है, बहुत मजबूरी में छोड़ना पड़ता है कि अब क्या करोगे। अच्छे इंसान को बुरा बनना पड़ जाता है। सुनाई थी उसने हमने कहानी, छोटी सी थी लेकिन सत्य है। अच्छा इंसान कैसे बुरा बन जाता है कि एक बहुत बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पहाड़ से टूट के गिरा और वो एक व्यक्ति को देखा, रही तो नीचे गिर रहा है और यहाँ नीचे पहाड़ की चींटियों का घर है, पूरी चींटियां मर जाएंगी। तो उस लकड़ी को रोकने के लिए दौड़ा और उसने पकड़ा, रोका, घिसटते घिसटते नीचे तक आया और आया और बामी में उसका पैर टकरा गया, थोड़ी सी बामी टूट गई, चींटियों ने उसको काटना चालू कर दिया। बहुत देर तक उसने सहन किया, फिर उसने छोड़ दिया। अच्छा इंसान बुरा ऐसे बन जाता है, उसने छोड़ दिया, अब मरो तुम। ऐसे होता है, गुरु भी देखते जब तक अपना नुकसान नहीं हो रहा तब तक वो करते हैं करते हैं करते हैं, फिर वो छोड़ देते, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ, अब तुम आओगे दोबारा तो मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति दो बार धोखा दे तो तुम मूर्ख हो। अगर कोई आपको धोखा देता है तो गलत है, वो गलत है। अगर वही व्यक्ति दोबारा आपको धोखा देता है तो आप गलत हो। तो इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम्हें व्यक्ति की पहचान नहीं है। शेष आगे विचार करेंगे, आज बिहार का टाइम है, अब कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। हमने भी ज्योतिष सीखा, इनने भी सीखा, उनने भी सीखा है। कोई मुहूर्त निकालना तो हम बोलते कि आप निकाल लो, लेकिन कल के दिन ही मना कर देते हैं, हम नहीं निकाल रहे, जाओ ठीक है हमको आता है, इसका करेक्शन कर देना भैया, हो हमारे पास टाइम नहीं है, जाओ ठीक है हमको आता है। आना चाहिए, अपने आप में डिपेंडेंसी रखना चाहिए। दूसरे पर आश्रित रहोगे, दुख मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, इस प्रकार समझना। कामयाब होना है तो अपने पर आश्रित हो, ये समझ लो कि अपना जनाजा खुद उठाना है। हाँ, जितनी आपकी गुडविल है वही आपका जनाजा उठाती है, गुडविल नहीं है तो एम्बुलेंस आती है। अपना जनाजा यहाँ खुद उठाना मतलब क्या हुआ इसका, कि हम अपने दम पे जाएंगे, अपनी गुडविल पे जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो जल्दी सफल होंगे, ज्यादा सफल होंगे। और अगर दूसरों पर आश्रित हैं, बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्वत सागर जी महाराज की।